तशरीफ ला रहे हैं। जिल्ले इलाही, दरबार में सभी सैनिक आ चुके हैं, फरमान जारी किया जाए। सैनिको। जी महाराज। हमने रात एक ख्वाब देखा है। क्या ख्वाब देखा महाराज? हमारे राज में जी एक मकान है जी, जिसमें दो दरवाजे हैं जी महाराज, और एक पेड़ लगा हुआ है जी, उस पर एक बकरी बंधी हुई है जी महाराज, उसकी जमीन में खजाना गड़ा हुआ है जी महाराज, जाओ उसे खोद डालो, वो खजाना लाकर हमें दो। जो हुक्म महाराज, अगर किसी का घर खोदेंगे तो? खामोश। अगर कोई रुकावट डाले जी हुजूर, तो कहना शाही फरमान है जी महाराज। ये लो, हमने नक्शा बना कर रख दिया है जी हुजूर, जाओ गांव वालों की मदद से वो खजाना हमें ला कर दो, हमारे हुक्म की तामील हो तखलिया। जो हुक्म मेरे आका। जाओ जल्दी जाओ और खजाना लेकर लौटना। खजाना खजाना खजाना। अरे भाई सुनो, जरा ये नक्शा देख के बताओ, ये किसका घर है? ये तो शेख चिल्ली के घर का है। तो तुम हमें वहाँ पहुँचा सकते हो? बहुत राड़ी है, कौन जाएगा उसे राड़ मोल लेने के लिए? कोई बात नहीं, हमारे पास शाही फरमान है, हमारे पास तो गैती फावड़े भी नहीं है। हमारे पास है। ठीक है तो चलो चलो। चलो मिला के देखता हूँ। ये दो दरवाजे, ये गंडासा, ये पेड़, ये बकरी, ये सिंगल गेट। ठीक है भाई साहब, चलो। पीछे हटो, ये हमारे शहंशाह का हुक्म है, हमें ये घर खोदना है। नूरू, अनवर, तुम भी कुछ नहीं बोल रहे, हम गरीबों का घर तोड़वाने के लिए ले आए ना? इन्होंने ही तो हमें बताया, नहीं तो कैसे मिलता हमें तुम्हारा घर? क्या इन्होंने बताया हमारा घर तोड़वाने के लिए तुम्हें? हम क्यों तोड़वाते, ये तो शहंशाह का फरमान है। अगर मेरा शेख चिल्ली आ गया ना, बहुत बुरा हो जाएगा। कोई भी आ जाए, शेख चिल्ली का बाप भी आ जाए, हम घर खुद करेंगे। खोद डालो, हटो हटो, चलो। ओ भाई अल्लाह, मर गए मतो, अम्मी को आटू टूट गया, नास पीटो। कहाँ से खोदा जाए? यही जगह है, यही खोद डालो। खोद डालो। इतने गहरे में खजाना, कहाँ है खजाना? इसमें तो कुछ निकला नहीं। अरे इन दीवारों में देख लो यार, अरे इन दीवारों में कुछ निकल गया है। हटो सामने से, ये ले। कुछ नहीं, चलो आ, चलो वापस चल, दूसरी तरफ देखते हैं। अम्मी,
कुछ नहीं मिला, चलो। इधर भी एक एक ईंट करके घर बना दिया बेटा। अंदर तो जाने पूरा घर खोद दिया। क्या बात है भाई? हमारा सारा घर खोद दिया। क्या रो रही हो? मैं तो की नहीं बोल रही। देख जी पूरा घर फोड़ गया हमारा सैनिक। हमने तो बहुत रोका पर वो माने ना कम वक्त। और गांव वालों ने भी उनका साथ दिया। अम्मी तुम्हें कोई रोने की जरूरत नहीं है। रुखसाना चुप हो जा। जितने एक गड्ढे खोदे नहीं एक एक साथ चुन चुन के बदला लूंगा। तुम्हारा शेख चिल्ली है ना, चिंता मत करो, रोने की जरूरत नहीं है। क्या ठीक हो जाएगा, क्या बदला लेगा? वो शहंशाह के सैनिक थे और उन्होंने हमें मारा भी। शेख जी इस गांव को छोड़ के चलते, गांव वाले भी उनके साथ थे। गांव वाले कौन कौन था, नाम बताओ। सालों का मैंने भी हिरन ना बनाया ना, मेरा नाम शेख चिल्ली नहीं। नूरू और अनवर थे और दरवाजे के बाहर भी बहुत सारे खड़े थे गांव वाले। नूरू अनवर ठीक है अम्मी, जब तक अपने घर का मुआवजा ना ले लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। और सुनो अम्मी, मैं किसी के घर जाने वाला नहीं हूँ, यहीं रहूंगा इसी घर में। शहंशाह आलम, आपने अपने ख्वाब के चक्कर में किसी गरीब का घर तुड़वा दिया। मलिका जान, हमें इस बात का कोई अफसोस नहीं। आपको जरा सा भी अफसोस नहीं? खामोश। अगर हम इन बातों का अफसोस करने लगे तो हुकूमत कैसे चलेगी? अब उस गरीब का क्या होगा, उन पे क्या बीतरी होगी, अब कैसे करेंगे वो लोग? हाँ हाँ बेटा, ये क्या लाया शेख जी? ये क्या लाया? बस ये खाना तेरी आंखों से पनीर है। पनीर पनीर उठा लाया? बेटा इतनी महंगी सब्जी नहीं लाया करते, पैसा जोड़ पैसा, घर नहीं बनाना है क्या? यही तो बात है, मैं घर का इंतजाम तो कर रहा हूँ, यही तो घर बना कर देगा, ये घर बनाएगा घर। देख लो इनका पागलपन, सब्जी से कहीं घर बनता होगा? अरे ये तो है ही उल्लू, पैसे तो जोड़ नहीं रिया और इतनी महंगी सब्जी उठा के ला रिया है। जोड़ूंगा पैसे भी जोड़ूंगा, घर भी बनाऊंगा। एक बार सुन ले, जिसने घर बनाना नहीं जानता ना वही घर बनवा के देगा, वही घर बनवाएगा। चल अंदर चल, खामखा दिमाग खराब रखे हमारा भी। चोर जिंदा भाग रहा चोर। अम्मी को पिटवाने वाले चोर, मेरे घर के चोर, मकान की नींव धरवाने वाले चोर, मेरे घर के बनवाने वाले चोर। इधर आ जा भाई, थैली में रखूंगा साले को, ये ठेगी जाले। ऐसा ना भुदक रहे, चल रहे साले जिंदे। महाराज ये वही शेख चिल्ली आ रहा है जिसका हमने घर खोदा था, कहीं ऐसा ना हो ये मुआवजा मांगे। आने दो
अगर इसने हमसे मुआवजा मांगा तो हम इसका सर कलम कर देंगे। चिल्ले इलाही की खिदमत में शेख चिल्ली का सलाम है। शेख चिल्ली, हमने तुम्हारी सलाम कबूल की। बताओ क्या शिकायत लेकर आए हो? जहां बना मेरे घर में चोर घुस गए, पूरी जमीन खा गए, मेरे घर को खोद डाला। मैंने उनमें से कुछ को पकड़ लिया, कुछ भाग गए। मुझे आप जहां बना उन्हें मारने का फरमान जारी करें ताकि मैं अपने चोरों को पकड़ के सजा दे सकूं। दोगे? हाँ हाँ, हम फरमान जरूर देंगे, पर पहले पकड़े हुए चोर तो दिखाओ। हाँ जिल्लेलाई, दिखाता हूँ चोर, दिखाता हूँ जिल्लेलाई, दिखाता हूँ शेख चिल्ली की बुद्धि का कमाल। ये लो हजूर, कुछ को मैंने मार दिया, कुछ भाग गए। अब जो भागे हुए चोर हैं, उन्हें मुझे मारने का फरमान जारी करो। मक्खियों को चोर बता रहा है? बहुत बेदिमाग आदमी है। क्या हमारे राज में ऐसे मूर्ख भी रहते हैं? क्या सोच रहे जिले भाई, मुझे अपने चोरों को मारने की इजाजत दोगे या नहीं? शेख चिल्ली, हम तुम्हें फरमान तो देते हैं, मगर ये तो मक्खियाँ हैं। जो भी हो, मुझे इन्हें मारने का, सजा देने का फरमान चाहिए। बीच में कोई टांग ना डाले। ठहरो शेख चिल्ली, हमारी शाही तख्ती लाई जाए। शेख चिल्ली, हम तुम्हें अभी फरमान जारी करते हैं। तुम अपने चोर पकड़ सकते हो, जिंदा या मुर्दा। महाराज तख्ती पे आओ। लो शेख चिल्ली, मगर इस फरमान पे अपने वो कर दो, वो साइन दस्तखत और करें। अब तो खुश हो? जिल्ले लाई, मैं बहुत खुश हूँ। और महाराज, अगर इसमें किसी ने शिकायत करी तो? अगर किसी ने इसमें शिकायत की तो हम उसे दरबार में खड़ा करके 10 तोड़े लगवाएंगे। जिल्ले लाई, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। तो अब देख शेख चिल्ली का इंतकाम तूने भी सैनिकों आया ना। जी महाराज। क्या हमारे राज में ऐसा मूर्ख भी रहता है? अम्मी अब कैसा करेंगे हम? मैंने भी गांव वालों को बनाया तो मेरा नाम शेख चिल्ली नहीं। जानती हूँ इसे। कहाँ है मेरा सल्लम सोटा? सल्लम सोटा ढूंढो। अरे क्या कर रहा है, क्या ढूंढ रहा है? तेरे बस की ना है कुछ भी, चल रोटी खा ले। रोटी खा लूंगा मैं ना, रोटी की भूख लग रही। आफत कर रही है, मुझे सारा सल्लम सोटा नहीं मिल रहा। आराम से बैठ जा। पता नहीं क्या करके मानेगा। बना कर मैं भी किधर चला गया, मार रख दिया इन्होंने। अम्मी क्या ढूंढ रहे हैं? अरे मुझे क्या पता क्या ढूंढ रहा। यहाँ छुप रहे आसान सल्लम सोटा और चोर छोटा या मोटा, इसका तो अल्लाह ही मालिक है। ये क्या कर रही है तू? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अपने कर रहा हूँ मैं। करण नहीं दोगी तुम मुझे? चुप बैठ जाओ, मुझे इंतकाम लेना। तुम आराम से बैठो, पहले बादशाह के गुलामों को देखता हूँ। सालों या अल्लाह, पता नहीं क्या करके बाज आएगा ये सांड। ऐसे सुनो करो इंतकाम, देखता हूँ कहीं चोर बैठा मेरा, कहीं मेरा साले वही फाड़ दूँ। ये इधर आ, डिब्बी में आ जा बेटा, बंद करूँगा सब साले। हाँ मुझे और कुछ नहीं लेना, कैसे निकल ले बेटा। ठीक है। ओबे यहाँ दुकान पे मिलेंगे चोर, मिठाई का डिब्बों पे बैठे हो। क्या दिखाऊँ, क्या चाहिए? बैठा
चोर फोड़दा सा ये अबे किधर छुप गया अबे इधर पड़ा था ले डिब्बे में आ जा ये गिरा ठीक है ये ते इधर पड़ा अबे क्या कर रहा है तू खड़ा हो गया तेरा तेरे बाप का माल है ये अरे पापी गिरा दे कंबल कंबल ऊंची आवाज मत बोल राजा का फरमान देख राजा का फरमान ए देख देख फरमान पढ़ दे लगा जोड़ बोला पढ़ ले राजा का फरमान तो ये कैसा फरमान है पकड़ने का फरमान है अबे किसी का फरमान का नुकसान कर देगा राजा हम देख लेंगे तेरे दादा की आज हम राजा से शिकायत करेंगे आज बादशाह से के बात चल रहा हूं अभी अभी शिकायत करूंगा तेरी चल रहा हूं अभी बेअदब बामुलाजा होशियार जिल्ले इलाही तशरीफ ला रहे हैं। सैनिकों जी आज की कार्रवाई शुरू की जाए। जो हुक्म महाराज राजू माली कुछ फरमान लेकर आया है। बोलो राजू। हाँ? कैसे आना हुआ? जापनाह का मुस्तकबिल ऊंचा हो, हुजूर गुस्ताखी माफ हो, सिख चिल्ली के खिलाफ शिकायत लेकर आया हूँ। सैनिकों जी हजूर शेर चिल्ली को हमारे सामने पेश किया जाए। अभी लाया महाराज। राजू जी जापनाह आप फिक्र ना करें, आपके साथ पूरा इंसाफ किया जाएगा। जहाँ बना का इस्तकबाल ऊंचा हो। महाराज शेख चिल्ली दरबार में हाजिर है। बोलो राजू शेख चिल्ली हाजिर है। इस शेख चिल्ली ने बेवजह मेरी दुकान के सारे बर्तन तोड़ दिए। जब मैंने इससे पूछा तो इसने कहा कि ये जहाँ बना का फरमान है। हुजूर क्या ये आपका फरमान है? शेख चिल्ली जी हजूर क्या मामलात हैं बयान किए जाए। जापना मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे आज भी यहाँ दरबार में ला गया, ये भी गलत हुआ मेरे साथ। मेरा काम छूट गया, मेरे चोर रह गए। मैं अपना चोर पकड़ता अपने वहाँ भी मैंने इसकी दुकान में अपना चोर बैठा देखा। मैंने उसे पकड़ा, मैंने मारा और ये मेरे से लिपट पड़ा। मैंने इसे कहा मेरे से जापना का फरमान है, मैंने इसे फरमान दिखाया, ये बोला ऐसे फरमान में पूछते हम गंदी बात बोल रही। क्या कहा? गंदी बात कही। हमारे फरमान पे मूत। सैनिको जी महाराज हुकुम। इस राजू को पकड़ के जी इसके गिन के जी महाराज 10 लठ मार जाए। ठीक है महाराज। नहीं हुजूर नहीं, ये झूठ बोल रहा है हुजूर। मैंने ऐसा नहीं कहा हुजूर, मैंने ऐसा नहीं कहा। ये झूठ बोल रहा है हुजूर, मैंने ऐसा नहीं कहा हुजूर। खामोश, हमारे सामने जुबान खोलने की हिम्मत। ये कह रहा था मैं किसी राजा वाजा का फरमान नहीं मानता, मैं किसी को नहीं जानता, और ये तुमने दिया था लिख के 10 लीटर लगवाने का फरमान। अब मेरे सामने पूरी गिनती के 10 लीटर लगने चाहिए मेरे सामने। सैनिक लाठी उठाओ। जी हजूर। गिन के 10 मारो। जी हजूर अभी मारो। मैं गिनूंगा, एक भी लट कम नहीं लगने दू। और तगड़े तगड़े से लट लगवाना जा अपना। आज उसी का हाथ लगाया, कल को कोई और लेकर आएगा। सारा तो फरमान बेकार हमारे। शिकायत लेकर सैनिको जी महाराज शेख चिल्ली को बाइज्जत बरी किया जाए। जी हजूर। जहाँ आपका इस्तकबाल ऊंचा हो। भाई बड़े भाई मैं कल यार मुजफ्फरनगर गया था। अरे शेख जी। अरे शेख जी कैसे डंडा लिए घूम रहे हो? बस वही भाईजान चोरों की तलाश में रोजानों की। एक बात बताओ चोर दिन में मिलते हैं रात में? देख ले भाई मंजीत मूर्ख देखने को आ रहा था ना तू। देख ले शेख जी
उस दिन राजू भाई की दुकान पे क्या हो गया था? ओ! अरे यार वो पैसा दौड़ा। चल मैं। शेख जी से पंगा, हाँ बादशाह का भी हिरन ना बना दे मेरा नाम शेख जी। अरे शेख जी। हाँ आ गया, एक काम कर, चल मुझे रोटी दे दे। शेख जी मैं अम्मी की सेवा कर रही हूँ, आप अपने आप खा लो। अरे तू मेरी सेवा रहने दे, इसे रोटी दे दे जाकर। तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं अम्मी के ऊपर से मक्खी उड़ा रही हूँ। मक्खी उड़ा रही? ओबे मक्खी उड़ा रही है, मक्खी भी सारा पड़ाई है। उड़ा ले, उड़ा ले मक्खी उड़ा ले। मैं जब भी घर के बिगाड़ते, जब भी बिगाड़ा घर के बिगाड़ते। उड़ा ले मक्खी, ये तो थाले मेरा दुश्मन है। पता नहीं क्या हो गया इसे। अरे मारू भाई को तो मैंने ये फोन किया था, लेकिन वो ये कह रहे थे कि भाई अभी काम धंधा नहीं है, जब काम धंधा होगा तो खुद बता देंगे। तुम आने की उम्मीद करो। यार बड़ा बकवास आदमी है ये। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कैसे आना हुआ? अपना बयान दर्ज करो। महाराज शेख शिल्ले के खिलाफ शिकायत लेके आए हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अनवर। अनवर, जब हमने उसे शाही फरमान अता फरमा दिया तो तुम लोग यहाँ क्यों आते हो? तो महाराज ये सारे गांव को पीटेगा क्या? खामोश, राजा से बदकलामी हमें बर्दाश्त नहीं। सामी को, इस शख्स को 10 लठ मारो। महाराज गलती हो गई, माफ करें। महाराज गलती हो गई। सैनिक जल्दी जाओ। जी महाराज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लो महाराज, हो गए पूरे 10। भाई क्या हो रहा है? अरे इमरान भाई हो क्या रहा है, हमारे गांव में तो शेख चिल्ली का बहुत बड़ा आतंक हो रहा है। कितना आतंक हो रहा है? आतंक बहुत ज्यादा आतंक। जिसको भी देखे, औरत देख ले, आदमी देख ले, बच्चा देख ले, इसे देखा उसी में डंडे मारे। राजा से शिकायत क्यों नहीं करते आप? अरे भाई राजा से शिकायत क्या करें, राजा से शिकायत करने जाओ 10 लठ्ठ लगवावे। अरे हाँ, अरे भाई जान बहुत बड़ा आतंक हो रहा है। ओए रतन जी, वहाँ क्या शेख चिल्ली? और इमरान ठेकेदार क्या कर रहे हो रतन भाई? कुछ नहीं कुछ नहीं, अभी बता चलता हूँ। अरे मर बाजी, अरे और देख दो कहीं तो मिलेंगे चोर। क्या उड़ा रहा था मैं? मुझे क्यों नहीं बताया था आपने? बताने का मौका कहाँ दिया था तो आ लिया। ठीक है मंजीत भाई, कल क्या बात हो गई थी, कैसे बड़बड़ा रही थे? अरे यार कल चाचा जी के यार लठ मार दिया शेख चिल्ली ने। अरे यार मेरे भी मार दिया भैया, तू बच कर रही हो शेख चिल्ली भाग। पता नहीं मुझे देख के क्यों भाग जाते हैं, मैंने तो कुछ किसी का बिगाड़ा भी नहीं है। वाह मंजीत भाई, मैं तो तुम तो मिलना आता कम्मा का, ऐसे भाग रहे हो। मैं चोर हूँ क्या समझ रहे? पता नहीं लोगों का मुझे, जो देखा वही भाग जा। अबे थक भी लिया सारे चोर मिलने दे। अबे इसके पिछवाड़े बैठा होगा सारा जरूर। मुझे तेरा क्या करना, मुझे चोर मिल गया, मैं चलो निकलू वापस जा रहा हूँ, कोई और देखूंगा भी। ठीक ही लोग मुंह ढक ढक के जा रही है सारे, देखो तो चोर तो नहीं बैठा हो मेरा कहीं। फिर मुंह ढक रहे हैं साले, गर्मी में भी दुसाला ओढ़ रहे हैं। जाओ साले चोर ले जा रहे हो मेरा, ले जाओ, मैं तो कहीं और देख लूंगा बेटा। क्या शिकायत है, बयान की जाए। हजूर मरवा दिया आपके फरमान ने। राजा साहब क्या हम लोग गांव छोड़ के चले जाएं? अब इस गांव में क्या शेख चिल्ली रहेगा, उसने पूरे गांव में आतंक मचा रखा है, अब कुछ तो इलाज करो। और क्या हुआ? हाँ महाराज, शेख चिल्ली ने हमारी जिंदगी हराम कर दी। सैनिको जी जहाँ पना जाओ, शेख चिल्ली को हमारे सामने पेश करो। जी महाराज। हम किसी की भी शिकायत अब बाद में सुनेंगे,
आप लोग जी जहाँ पना जाइए। सलामत की जय हो। जी महाराज। शेख चिल्ली, शेख चिल्ली। उबा मंजीत, अच्छा कर बुला रहे थे तो आ नहीं सकता था। शेख चिल्ली क्या बात बता, बात क्या है बात बता। मैं तो अपना चोर ढूंढता फिर रहा हूँ। हैं? ले, एक चोरिया मिल गया बेटा। चल बेटा शेख चिल्ली और कहीं देखेंगे। अगर मैं ऐसा ऐसा ना करता ना तो डंडा मेरे पड़ जाता। मेरे मक्खी मार रहे थे सेठ जी। अबे कुछ लोग यहाँ बिगड़े, यहाँ चोर जरूर मिलेगा। ओए क्या कर रहे हो तुम यहाँ? रन घर को जा रहे हैं। अरे शेख चिल्ली से बच कर रही हो, शेख चिल्ली बहुत मारा है। देखो आइए देख शेख चिल्ली देख सामने। लोगों को पता नहीं क्या होगा, मैं जिधर जाऊं उधर सिर पर चक्कर हो जाता है। ऐसे तो मुझे चोर मिलेंगे ही नहीं, इसका मतलब मेरा तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा भाई। कोई बात ना, अब घर चलता हूँ। ओए अम्मी रुखसाना तो ऐसे बैठी है जैसे मेरे से कुछ बुरा हो गया हो। अम्मी? हाँ रुखसाना, मैं कैसे बैठी हो? अपने कर्मों को रो रही हूँ। एक तो बादशाह के सैनिकों ने पूरा घर खोद डाला और ऊपर से लोगों की गालियों ने जीना हराम कर रखा है हमारा। पूरे गांव में थू थू हो रही है, गांव वाले कह रहे हैं तेरा आदमी पागल हो गया है। चलो तुम ही बताओ क्या करूं। ऐसा कर, बादशाह का फरमान वापस कर दे। क्या कहा? हार मान लूं? हार मान लूं? बादशाह का फरमान वापस कर दूं? बिल्कुल नहीं करने वाला। अब्बू का नाम नीचे कर दूं? जलालुद्दीन का नाम नीचे कर दूं? अम्मी तो समझ बात को, मैं वापस नहीं करने वाला। ऐसा कर अंदर जा, हमारे पास न बैठ, चल अंदर। शेख चिल्ली कहाँ है? फिर आ गए तुम? हाँ। क्यों? हाँ क्या बात है? शेख चिल्ली जी, हाँ आपको बादशाह सलामत ने बुलाया है। है? देखा अम्मी? हाँ। शेख चिल्ली जी, आज हमें लोग तहजीब से बोलते हैं, हमें बादशाह ने बुलाया है, यहाँ के शहंशाह ने हमें बुलाया है, आप हमारे पीछे पीछे चलो, हमारे हुक्म की तामील हो। ठीक है चलो। आ जाओ लेन लगा के, आ जाओ लेन लगा के आ जाओ। बाबा सवारी ला सकते थे, सवारी ला सकते थे। हमें बुलाना है शेख चिल्ली जी को, बुलाना है, सवारी लानी चाहिए। बात नहीं है। वाह ऐसा तो थक लेंगे भाई, कोई बात नहीं है। जब बादशाह सलामत ने शेख चिल्ली जी को बुलाया तो चलना तो पड़ेगा ही। लेंस आ जाओ, लेफ्ट राइट करते चलो। बादशाह सलामत की जय हो। अरे बेगम साहब आप कैसे आना हुआ? महाराज अब शेख चिल्ली ने औरतों को पीटना शुरू कर दिया है। हमारे पास कुछ औरतें शिकायत लेकर आई थी उसकी। बेगम साहिबा। हाँ जी। आ फिक्र न करें। हाँ जी। हमने शेख चिल्ली को बुला भेजा है सारे फसाद की जड़, तो वो हमारा फरमान है, आज हम उससे फरमान वापस ले लेंगे। ओबे चोर दरानी के बेटा, मर गई शेख चिल्ली। मर गई? ये मर गया चोर? नहीं हजूर, चोर हजूर, चोर। आपने मुझे याद किया शेख चिल्ली, तुम हमारा फरमान वापस कर दो। नहीं सरकार, जब तक सारे चोरों को ढूंढ ढूंढ के ना मारूं तब तक फरमान वापस नहीं करूंगा। शेख चिल्ली जी, इन चोरों का क्या करोगे? महाराज मैं इन सालों से अपने घर का मुआवजा लूंगा, इन सालों को दफन भी नहीं होने दूंगा। आज इसने हमारी रानी को मारा है, कल ये हमें भी मार सकता है। ऐसा करते हैं इसका मुआवजा हम चुका देते हैं। जिले लाई क्या सोच रहे हो? एक चिल्ली, हम ये सोच रहे हैं कि तुम्हारा मुआवजा हम चुकाए देते हैं। बोलो कितना हुआ? मेरा घर भी तोड़ा, मेरी अम्मी को मारा, मेरी रुखसानों को भी मारा बेटा। एक चिल्ली खामोश क्यों हो, बयान करो
कितना मुआवजा चाहिए तुम्हें? जिले लाई, पूरे 50,000 रुपए मुआवजा लूंगा। सैनिक, शेख चिल्ली को हमारे खजाने से 50,000 रुपए अता किए जाए। महाराज, इतनी बड़ी रकम? खामोश, हमारे हुक्म की तामील हो। जो हुक्म जिले लाई। शेख चिल्ली जी महाराज, लाइए हमारा फरमान वापस कर दीजिए। ये लीजिए जी। जाओ, आप लोग सुकून से जिंदगी गुजारो। 50,000 रुपए मेरे घर पहुंच जाएंगे जी। ये ठीक है। ये था शेख चिल्ली का इंतकाम।